हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे शीतला देवी मंदिर में, जो कि काठगोदाम हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे जाके है। तो हम हो चुके हैं रेडी, तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी वाइफ है। तो हम दोनों आज आपको शेयर कराएंगे यहाँ पर शीतला देवी मंदिर की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और लेकिन अपना मास्क पहनना जरूर ध्यान रखें। हम भी अपना मास्क पहनेंगे क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, और चलेंगे शीतला देवी मंदिर और आपको भी ले चलेंगे। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग निकल पड़े हैं हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ, और रानीबाग होते जाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हम बाइक से जा रहे हैं। तो शीतला देवी मंदिर हल्द्वानी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है, और अगर आप अपना सफ़र शीतला देवी मंदिर के लिए हल्द्वानी से शुरू करते हैं तो आपको लगभग 8 किलोमीटर नैनीताल भीमताल की तरफ आना होगा। तो शीतला देवी मंदिर जो है, वो उसका गेट, प्रवेश द्वार जिसको हम कहते हैं, वो रोड के ही बगल पर है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा पहुँच के, फिलहाल आप चलिए हमारे साथ। तो काफ़ी धूप यहाँ पर खिली हुई है, और थोड़ा गर्मी भी हो चुकी है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, जिस कारण यहाँ पर गर्मी एकदम से बढ़ी है। तो काफ़ी धूप यहाँ पर है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं गौला नदी बह रही है, तो लगभग अब मंदिर आने ही वाला है जस्ट। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर शीतला देवी प्रवेश द्वार पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर प्रवेश द्वार है। ये मेन रोड है, और मेन रोड से ही बगल में यहाँ पर शीतला देवी द्वार है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर शीतला देवी मंदिर में, और प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं अब हम, और जा रहे हैं ऊपर को। और मास्क अभी तक पहना था, और मास्क हटा लेते हैं थोड़ा, और चलते हैं मंदिर की तरफ। आपको भी ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो कुछ इस प्रकार से रास्ता है यहाँ पर शीतला देवी मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु भी आए हैं जो वापसी आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी कपल्स आते हैं शादी के बाद, और आज हम भी गए हैं। काफ़ी टाइम बाद हमें भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन का मौका मिला है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर शीतला देवी मंदिर के रास्ते में, जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ वीडियो पे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से, कितनी ऊंचाई पे है, नीचे आप देख सकते हैं रास्ता कहाँ पर है। और हमें भी आज सौभाग्य मिला है माता रानी के दर्शन के लिए। शादी के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहते हैं, तो हम भी आज आए हुए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से चढ़ाई है, ऊपर को भी देख सकते हैं आप, और काफ़ी श्रद्धालु भी आज जा रहे हैं रास्ते में। फिलहाल अभी कोई हमारे आगे से दिख भी नहीं रहा है, और हम चलते हुए यहाँ पर जा रहे हैं ऊपर को। तो कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं तो बहुत थक गई हूँ। बहुत थक गई हूँ, बल थोड़ा चढ़ाई है तो इतना अभी तक चले नहीं है हम लोग, काफ़ी टाइम बाद चलना हो रहा है। अच्छा लग रहा है दर्शकों में। हाँ, थोड़ा यहाँ पर शांति वाला माहौल है, और थोड़ा चढ़ाई में जाके थोड़ा जंगल के बीच में ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है अब। मैडम का कहना है कि गर्मी हो रही है काफ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, कुछ लोग आगे कपल देख रहे हैं हमें बैठे हुए, और आपको भी दिखाते हैं कुछ रास्ता, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आगे का आप। तो सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर विश्राम का भी यहाँ पर है, जहाँ पर कई लोग विश्राम कर रहे हैं थोड़ा चढ़ाई में ऊपर आके। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से चढ़ाई है, और एक मोड़ काट के हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जहाँ से रोड नज़र नहीं आ रही है अब। और सामने देख सकते हैं थोड़ा बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है लोगों के आराम के लिए, और काफ़ी सारे लोग
यहाँ पर आराम करते हुए मंदिर परिसर में आए होंगे। मंदिर के दर्शन करके आके यहाँ पर थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं और हम ले चलते हैं आपको आगे। मंदिर परिसर का रास्ता है जो कि जंगल के बीच से जाता है, पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे। थोड़ा यह है कि अभी पतझड़ का टाइम है तो यहाँ पर पत्ते आए नहीं हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ पर मंदिर है वो दिख रहा है सामने। और यहाँ पर जो आने जाने वालों को प्यास लगती है तो पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर से, तो ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो आप? आग लगी हुई है में। आग लगी हुई हूँ बोल रही है यहाँ पे। आग लगी है बोले यहाँ पे, तो कुछ दिन पहले लगाई हुई थी देख सकते हैं आप। जैसा कि तो काफ़ी आग फैली थी उत्तराखंड में, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। और सामने देख सकते हैं आप काफ़ी सारे कपल्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपने अपने यहाँ पर दर्शन करने आए हैं माता रानी के। तो हम भी अब थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, मेन परिसर। अभी मैं सीधा अंदर आके दिखा रहा हूँ आपको, बाहर का नज़ारा फिर दिखाऊंगा बाद में। ये देख सकते हैं आप, और नीचे ये पार्किंग वाली व्यवस्था है जहाँ पर आप, गार्डन टाइप का है जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। मंदिर में बैठने के लिए काफ़ी यहाँ पर जगह है। तो हम आ चुके हैं, चलते हैं मंदिर में। तो ये नीचे गार्डन है और काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। और मेन माता का जो मंदिर है वो ये वाला मंदिर है। तो यहाँ पर हमने पूजा करा ली है और उसके बाद हम बाकी मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे। तो ये बाकी के सारे यहाँ पर मंदिर के, काफ़ी अलग अलग यहाँ पर भगवान के मंदिर हैं। और नीचे पार्क दिया गया है, पार्क एरिया है जहाँ पर बैठ के आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर परिसर। और अभी हम गार्डन में हैं, यहाँ से आपको मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप माता रानी का मंदिर और बाकी सारे मंदिर हैं। ये थोड़ा गार्डन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप काफ़ी सारा मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये मंदिर परिसर है जो देख सकते हैं आप, थोड़ा कोरोना के कारण अब काफ़ी कम संख्या में लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग आते हैं क्योंकि मान्यता है यहाँ पर बढ़िया बहुत की माता रानी यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ सीता देवी माता। ये गार्डन पार्क है देख सकते हैं आप। ये बंदरों से रहिए यहाँ सावधान। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये पहुँचे हैं खाने के लिए। तो ये काफ़ी सारे बंदर हैं, तो प्रसाद के कारण ये भी आते हैं यहाँ पर प्रसाद खाने के लिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इनको प्रसाद दे दें। शीतला देवी मंदिर देवी दुर्गा के रूप में माँ शीतला को समर्पित यह मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको यहाँ का पूरा एक नज़ारा दिखाया, कैसा ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, कैसा है अंदर से, आप यहाँ पर आके किस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्डन जो है काफ़ी अच्छा बनाया गया है। थोड़ा बंदरों का यहाँ पर डर है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए गार्डन में यहाँ पर गंदगी ना करें लिखा गया है, कुछ संयोग दाता की सूची यहाँ पर लगाई गई है। और यहीं पर बाहर जाने का रास्ता भी एक बगल से ही बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं ये। तो कोरोना कारण होने से यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है मंदिर में। एक बहुत पुराना यहाँ पर बरगद का पेड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप प्रवेश द्वार जहाँ पर है मेन मंदिर का, ऊपर आके वहाँ पर आप देख सकते हैं गेट के जस्ट अंदर ही यहाँ पर बरगद का पेड़ है काफ़ी पुराना। तो ये बाहर से आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो ये बाहर से यहाँ पर मंदिर इस प्रकार से है,
तो काफ़ी यहाँ पर बढ़िया बना दिया गया है मंदिर परिसर। ये जंगल के बीच में आप देख सकते हैं, पूरा जंगल ही जंगल है ऊपर और नीचे, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है मंदिर परिसर द्वारा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया गया है मंदिर। तो देख सकते हैं मंदिर परिसर कैसा है यहाँ पर, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर मंदिर का। तो शीतला देवी मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, जंगलों के बीच में एक नेचर का अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। तो हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और वापस जाते हुए यहाँ पर रास्ते से, तो कैसा लगा बता सकते हो मंदिर पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, माता रानी की कृपा है कि आज हम यहाँ पे हैं, इनके दर्शन कर पाए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल शांति स्थान पर है, बिल्कुल चारों तरफ जंगल जंगल दिखते हैं, मंदिर इतना सुंदर, काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ आके, और काफ़ी शांत माहौल है, और देख सकते हैं यहाँ पूरे जंगल है यहाँ पर हमारे चारों तरफ। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर परिसर से बाहर, तो काफ़ी यहाँ पर बंदर भी हैं जो परेशान कर सकते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा देख के यहाँ पर आइए। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़ारा है, लेकिन थोड़ा आग लगने के कारण यहाँ पर अभी काला काला हो चुका है हर जगह। पहले यहाँ पर जंगली जानवरों का भी काफ़ी डर था, काफ़ी जानवर यहाँ पर आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब मंदिर परिसर ने लगभग मंदिर के चारों तरफ यहाँ पर तार घेराबंदी कर रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सुरक्षित ताकि महसूस कर सकें। तो अब हम जा रहे हैं वापस इसी रास्ते से, आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का कैसा है, और हम वापस अब अपने मंदिर की ओर जाते हुए, तो मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए, कैसा लगा आपको हमें ज़रूर से बताइए वीडियो में कमेंट करके। और देख सकते हैं हम काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा वापस ही जाते हुए हम आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे कैसा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, अब हम वापस जाते हुए, तो आपको मैंने काफ़ी जगह यहाँ पर दिखाई है, हो सकता है बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो वो भी देख सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा ही होता है थोड़ा, जब भी हम जाते हैं टूर पर नज़ारे पर दिखाते हुए बोलना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारी जगह दिखाई हैं तो आप देख सकते हैं। और हम जा रहे हैं वापस, तो जाते जाते भी मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखा दूँगा कि कैसे, देख सकते हैं आप कितनी चढ़ाई है यहाँ पर। तो कहा जाता है कि पहले यहाँ पर रास्ता काफ़ी पथरीला और पहाड़ से घिरा हुआ था, बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, लेकिन मंदिर परिसर ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करी और रास्ता बनाया है, और काफ़ी अच्छा रास्ता बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चढ़ाई थी, मैंने आपको लास्ट तक दिखा दिया है। तो यही थी हमारी जर्नी जो शीतला माता मंदिर के लिए हमने बनाई थी आज, और इसी के लिए आपको हमने भी ये दिखाया है यहाँ का नज़ारा। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, अगर आप एक कपल हैं या फिर फैमिली के साथ रहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर। दिखाया मैंने आपको कैसा यहाँ पर मंदिर का नज़ारा है और कितना बढ़िया मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, रोड भी यहाँ से नज़र आ रही होगी, थोड़ा चढ़ाई ज़रूर है यहाँ पर, थोड़ा चलना पड़ता है, तो इतना एडजस्ट कर सकते हैं सभी लोग। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और बेल आइकन का बटन